सिंगरौली में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम सुखर में पारिवारिक विवाद के कारण एक पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। थाना प्रभारी डीएन राज ने बताया कि मृतक बहादुर सिंह का अपनी ही पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट तक पहुंच गया। तभी मृतक की पत्नी अपनी लड़की गीता को लेकर एक कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद बहादुर सिंह ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और बड़े बेटे को रोकने पर उसके बड़े बेटे भाईलाल सिंह से कहा सुनी हो गई, जिसके बाद भाईलाल सिंह ने पिता की डंडे से हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया है। ये घटना हुई है जो सुखर में, ये पारिवारिक विवाद है, गृह कलेश टाइप में घटना है, घर के घर में ये घटना हुई है। और जो इस घटना में मृत हुआ है बहादुर सिंह गौण, इसकी उम्र 45 साल है और ये किसी बात को लेकर पत्नी को मारपीट करना चाह रहा था या जो भी है, तो ये जो है पत्नी बचने के लिए कमरे में जाके अपनी लड़की से कमरे में जाके बंद कर लिया अंदर से दरवाजा, ठीक है। तो उसको मारने के लिए या बाहर निकालने के लिए हथौड़ी से जो दरवाजा तोड़ रहा था, उसी समय उसका बड़ा लड़का भी भाईलाल गौण ग्राम भित्री में रहता है, लेकिन लकीली वो घर आया, उसने आलम देखा कि ये पिता जो है हथौड़ी से दरवाजा तोड़ रहा है। पूछा क्यों तोड़ रहे हो, कुछ नहीं बोला, इसको मारने के लिए आमादा हो गया, इससे बन गया वो, इससे झगड़ने लगा। तो फिर दोनों में हाथापाई हुई है और फिर इसमें क्या हुआ कि इसको जो हथौड़ी मार रहा था वही हथौड़ी, इस लड़के ने जो है लाठी से उसको मारपीट कर दिया, तो उसको एक चोट आ गई है आँख के पास और कन पट्टी पे, खून आलूदा चोट है और फिर मौके पर खत्म हो गया। घर पर इसका जो है एक लड़का और था जो पुरैनिया बाजार में सामान लेने गया, जब ये रात में 10 बजे आया है तब देखा है इसने कि पिता मृत पड़ा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।